नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं हाथरस जिले के ब्लॉक सादाबाद के गांव सरोट में। और यहां पर आज आलू की पैदावार से रूबरू होंगे, कौन सी नस्ल का आलू है और कितनी पैदावार निकल रही है, क्योंकि मैं हर बार वीडियो में आपको बता रहा हूं इस बार जो क्षेत्र में आलू की पैदावार है वो रकबा भी बढ़ा है और क्षेत्रफल की बात की वह अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन भी डबल निकल रही है। यहाँ पर काफ़ी किसान जो है आलू की फसल को देखने के लिए खड़े हुए हैं और इन्हें देखेंगे हम, उनसे पूछेंगे कि आखिर आलू की फसल में क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है, क्योंकि किसानों को सीधी रूबरू होना काफी जरूरी होता है जिससे कि आपके आलू किसानों का सीधा लाभ हो सके। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारा काम होता है आप लोगों को सीधे वीडियो से रेगुलर अपडेट करना कि आखिर क्षेत्र में क्या पैदावार क्या निकल रही है। मेरे साथ में काफी किसान मौजूद हैं, इनसे ही पहुंचेंगे। जी चाहे भैया, क्या नाम है? सुदेश सिंह जी। भैया आपके क्षेत्र में आलू की क्या स्थिति है? अभी तो कोई खुदा खुदी हुई नहीं है, वैसे फिलहाल आलू को देख के तो ऐसा लग रहा है कि ठीक निकलेंगे आलू, ठीक निकलेंगे जी। तो इसे खोद के भी हम देखेंगे। देखिए जिन खेत जिन प्रगतिशील किसानों के खेत में हम मौजूद हैं और उनसे ही आपका परिचय करवा देते हैं, क्योंकि जब तक एक प्रगतिशील किसान ही एक देश की खास पहचान होती है, क्योंकि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, ऐसे में कृषि की गुणवत्ता जो है किसानों पर निर्भर होती है और किसान जो है किस तरीके से पैदावार लेते हैं इनसे ही पूछ लेते हैं। जी सर, हाँ मैं दिल्ली पुलिस से सब इंस्पेक्टर से रिटायर आया हूँ और इस साल से मैंने खेती की है। मैंने आधा एकड़ कुफरी मोहन लगाया है, उसी खेत में हम लोग खड़े हैं और अभी इसकी पैदावार देखनी है कि कितनी पैदावार निकल रही है। वैसे तो सभी लोग बता रहे हैं कि अच्छी पैदावार है इसकी, परंतु आप देखेंगे आपके सामने सभी किसान भाई आस पड़ोस के हैं यहाँ पर, ये देखते हैं कि इसमें कितनी पैदावार है। वैसे हमारे यहाँ पर ज़्यादातर 37-97 आलू ही होता है और इस बार मैं जो है ना 3 बीज नए लाया हूँ, एक 37-97 का AK सिंह का और एक बीज जो है ना कुफरी मोहन और एक जो है आयुर्वेदिक आलू है जो कुफरी नीलकंठ। तो अब हम कुफरी मोहन के खेत में खड़े हैं और कुफरी मोहन का खोद करके यहाँ देखते हैं कि क्या कैसी पैदावार है। किसान साथियों अभी इसका रिव्यू करेंगे, देखेंगे खोद के कि आखिर पैदावार कुफरी मोहन में सरोठ में कैसी निकल रही है और किसानों से पूछताछ करेंगे। किसान साथियों आप देख लेते हैं भैया जो हैं पेड़ खोद रहे हैं और पेड़ खोदने के बाद में देखेंगे क्या है। जरा शुरू कीजिए, इसी पेड़ को उखाड़िए और देख लेते हैं क्या है। और ये आपका पूरा एक ही पेड़ है, इसे खोदिए पूरा। ये पैदावार कम है, ये देखिए साइज क्या है इसका। अगर कोई ये कह रहा है गफलत में और अगर भ्रमबाजी स्थिति जी रहा है कि भैया पैदावार बहुत ज्यादा गिर गई है, तो पैदावार भी देख लो, अभी पूरा ही खोदते हैं। किसान साथियों अब जो है पेड़ की खुदाई पूरी हो चुकी है और भैया ने पेड़ खोद के देखा है और यहाँ पर काफी किसान जो है मौजूद हैं। अब यहाँ पर बारी बारी से मैं इनसे पेड़ में जो आलू हुए हैं और जैसा आप पूछते हैं कि इसमें आलू नहीं निकला है, इसमें आलू नहीं निकला है, पैदावार बहुत ज़्यादा कम निकल रही है। ये पैदावार है, इसमें जो साइज़ है वो आप देख लीजिए, यानी कि साउथ की जो डिमांड होती है, जो महाराष्ट्र या आपका कर्नाटका या केरल इन साइड में जो डिमांड होती है आलू की, वही डिमांड का इस समय आलू जो है हो चुका है। हालांकि अभी कितने दिन का है इनकी क्रॉप, इसके बारे में इनसे चर्चा करेंगे और इनसे आलू की काउंटिंग भी करवा लेते हैं कितना आलू निकला है, क्योंकि यहाँ सभी लोग जो हैं इसी आलू को देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। पहले मैं भैया से बोलूँगा, भैया जरा आए आगे और भैया इन आलू को काउंटिंग करके ज़रा हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें कि ये जो आपके सामने जो आलू खोदा गया है उसकी कितनी होती है, गिनिए भैया। 39, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 आलू। भैया आपने देखा कितना आलू है? 40 आलू निकले हैं। झूठ तो नहीं है? नहीं सही है। नहीं आप भी कमेंट करके बता देंगे, अरे सोनू भैया ये तो झूठ है, आपके सामने पेड़ खोदा गया है? पेड़ खोदा गया सामने, 40 आलू निकले। 40 ही है, छोटा बड़ा? छोटा बड़ा मिला के 40।
पूरा है, क्लियर है, जी सर। चाचा आपने देखा कितना है? 40 गलत तो नहीं है? नहीं, कमेंट तो नहीं आएगा अब कि तुम झूठ दिखा रहे हो? हमारे साथ है एक नंबर। तो अभी मेरे साथ में दादा भी हैं, दादा से ही पूछ लेता हूँ। दादा आपने ये आलू देखा कितना है? 40 एक पेड़ के नीचे। झूठ तो नहीं है? नहीं, झूठ नहीं है। ये पैदावार अच्छी है कि कम है? पैदावार सही है। पैदावार वो तो नहीं है, कम तो नहीं है? कम नहीं है, बढ़िया है। किसान तो ये कहते हैं कमेंट करके, अरे भैया अभी तो पैदावार बहुत ज्यादा कम है, कहीं दिख रही है? ना, कम ना बढ़ती है ये। कई किसान और हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं। दादा थोड़ा आगे आइए। और आपने भी देखा भाई? हां साहब। कितना है? 40 कम तो नहीं है? हां साहब। देखिए मेरे साथ में एक और वो भैया मौजूद हैं। भैया आपके कमेंट बहुत आते हैं हमारे चैनल पर। सोनू भैया तुम झूठ दिखाते हो, तुम्हारे सामने खुद दिया, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे गांव में आके खुद दिया भैया। 40 ही है अब तो? झूठ तो नहीं है? नहीं, झूठ नहीं है। नहीं नहीं, कल हमने आपका कमेंट देखा था। अरे सोनू भैया तुम तो झूठ बोल रहे हो, एक पेड़ के नीचे 40 कहाँ हो जाते हैं? कहीं दिख रहा है अब आपके सामने? नहीं, कल हमने एक वीडियो डाला था परसों, जब हमने दिखाया था एक पेड़ के नीचे 40 आलू निकला, तब आपका एक कमेंट आया था कि सोनू भैया आपने ये झूठ बोल रहे हो, एक पेड़ के नीचे 40 आलू निकल ही नहीं सकता है। अब तो आपके सामने आपके सामने खोद दिया, बिल्कुल निकल रहे हो सामने। अब तो बिल्कुल सही है, झूठ तो ना दिखा रहे। देखिए अब मैं आप लोगों से जानकारी के लिए बता दूं, मेरे साथ में किसान मौजूद हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं। ये दादा ये कौन सी नस्ल का आलू है? ये है कुफरी मोहन, जो 1 नवंबर को बोया गया था और आज इसको दिन हो गए हैं 82 दिन का आलू है ये। टोटली 82 दिन का आलू हो गया और इसमें अभी प्रोग्रेस जारी अभी है। इसमें मोटे और हो सकते हैं ये वैसे काफी इसमें आलू जो है ना मोटा भी है, एक दो आलू तो इसमें काफी मोटा है जो कि बहुत ही अच्छा साइज का है। और ये जो है दक्षिण भारत में जो आलू जाता है उसी लेवल का, और एकदम भीतर से सफ़ेद और ऊपर से भी सफ़ेद आलू है कुफरी मोहन जो है। बीज अच्छा है, अभी पैदावार इसकी अच्छी निकल रही है। हमारे हिसाब किताब से हमने जो बोया था और जो इसकी वो मिली थी, हमें ऐसा लग रहा है कि ये आलू जो है सबसे ज़्यादा पैदावार में है और इसकी पैदावार अच्छी है। अभी हमने आधा एकड़ आलू लगाया है और हमारा विचार ये है कि अगली साल हम इसे और ज़्यादा लगाएं। अब ये जो है ना ऊपर से सफ़ेद और भीतर काठ में भी सफ़ेद है, इसकी आँखें भी ज़्यादा गहरी नहीं है, जिससे सब्जी छीलते समय पर जो कि जिसमें छीलते समय ज़्यादा आलू बेकार जाए वेस्टेज में। तो हमारा कहना है कि ये खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट और ऊपर से भी सफ़ेद और भीतर से भी सफ़ेद है। इसे एक आलू को और ज़्यादा करें तो हम तोड़ करके देखते हैं कि इसमें ये भीतर से कैसा है। तो इस आलू को हम तोड़ते हैं, ये देखो ये भीतर से बिल्कुल एकदम सफ़ेद है, यानी क्वालिटी इसकी क्वालिटी इसकी जो है काफ़ी अच्छी है। 3797 के मुकाबले का आलू है, भीतर सफ़ेद और बाहर से भी सफ़ेद आलू है और सफ़ेद काट का है ये। ऐसा जैसे कि कल आपने लगातार जो किसानों के लिए फेसबुक पे एक ग्रुप जो चल रहा है उसमें लगातार ये कमेंटबाजी आ रही थी, अरे इतना नहीं निकलता, इतना नहीं निकलता, क्या ये झूठ? हाँ, ये पैदावार अच्छी निकल रही है इसकी। और ये जो एक एकड़ में 500 कट्टे की कहते हैं, ये 500 कट्टे एक एकड़ में आराम से निकल सकता है। कुफरी मोहन की पैदावार अभी तक जितने भी आलू हैं हमारे उनमें सबसे अच्छी पैदावार है इसकी। और अभी जो है इसके एक एकड़ में 500 कट्टे के करीब निकल सकते हैं, ये अच्छा है आलू पैदावार में। और इसमें जो है ना अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट की कोई भी संभावना नहीं है, ये फसल है खूब अच्छी तरह से खड़ी है और इसमें कोई खाद भी ज़्यादा नहीं दिया गया है। अभी इसमें 2 पानी लगे हैं, बीच में बारिश आ गई थी और शायद 1 पानी और लगाएंगे हम अपनी फसल में। और हमें ये ऐसा विश्वास है कि ये जो है ना हमारा आधा एकड़ है तो 250 कट्टे के करीब जो है आलू इसमें निकल सकता है। अभी इन लोग ये जो पत्रकार हैं सोनू जो आए थे, इन्होंने हमारे से संपर्क किया तो हमने कहा कि हमने जो है ना कुफरी मोहन लगाया है और आप आकर के देख सकते हैं। तो अब हम इस समय जो है ना फसल में यहाँ खड़े हैं, ये गांव सरोठ ये खंदौली क्षेत्र में आता है और यहाँ पर जो है हमने जो है ना लगा करके ये आलू की जो पैदावार के बारे में यहाँ दिखा रहे हैं इनको, लोगों को, ये सभी किसानों के सामने जो है ना यहाँ आलू खोदा गया है
और कुफरी मोहन की पैदावार देख रहे हैं। सभी किसान साथी जो है ना अभी यहाँ पर खुश हैं कि आलू की पैदावार बहुत बढ़िया है। तो अभी मेरी सभी किसानों से अनुरोध है कि अगर आपको ये अच्छा लगता है और पैदावार में ठीक है तो अगली साल और इसके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाएं कुफरी मोहन को। और ऐसा ही हमारा कहना है क्योंकि हमने आपके सामने जो है ना पेड़ खोद करके देखा है, बहुत अच्छी पैदावार है इसकी और ये देखने में भी साफ एकदम सफ़ेद और भीतर से भी ये सफ़ेद है जी। तो जैसे कि कुफरी मोहन की किसान साथियों जो बताई गई थी बिल्कुल दौड़ी पैदावार यानी ढाई गुनी पैदावार बिल्कुल आपके सामने है। कल भी कई लोग जो है उस फेसबुक ग्रुप में कमेंट कर रहे थे नहीं निकलता है, हालांकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी वो हो जाती है जब आप अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे तो वो तंदुरुस्त कैसा हो जाएगा। सेम कंडीशन आलू की होती है, अगर जब आप उसमें लागत ही नहीं लगाएंगे तो उत्पादन कैसे निकल आएगा। जब आप कुछ लगा ही नहीं रहे, अगर लगा भी रहे तो आप एक एक उसमें तीन तीन फसल अपना रहे, जब तीन फसल अपना रहे हैं तो खेत में इतनी ताकत कहाँ रहेगी। हाँ ये बात है, ये खेत हमारा जो है ना ये आलू का था, इसमें जो है ना हरी खाद भी जो ढेंचा हमने जोता था और उसके बाद इसकी तैयारी भी ठीक तरह से की है। अब इसमें हमने आलू लगाया है तो अब ये आलू ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट दोनों नहीं आती हैं जी। तो किसान साथियों आज हमने आलू का रिव्यू किया जो कुफरी मोहन आलू है और जिसकी पैदावार जो कि किसान जो है आशंकित रहते हैं अरे नहीं होती है, वो हमने यहाँ सरोट में आके देखा और जो है इनका बताया किसानों को ताकि किसान जो है किसी भ्रम में ना रहें कि पैदावार गिर रही है, पैदावार ये हो रहा है, पैदावार हो रही है। 2017 जैसी स्थिति बन सकती है, इसके लिए हम लगातार अवेयर कर रहे हैं और इसी वजह से हम लगातार खेतों का और क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं ताकि आप समय रहते अपने आलू के प्रति सचेत हो जाएं। जी सर। हाँ ये ज़रूर है कि पैदावार अधिक होने पर यहाँ पर इसका आलू के बारे में लोग सोच रहे हैं कि अधिक पैदावार होती है तो कैसा रहेगा, परंतु अभी ये कुफरी मोहन की पैदावार तो अच्छी है और दूसरे आलूओं की वनस्पति वैसे हमारे गांव में जो है ना ज़्यादातर 37-97 ही लोग करते हैं, कम लोगों ने ही दो चार किसानों ने ही कुफरी मोहन ला करके नया बोया है। नहीं इस पर जैसे कि अभी हम बात करें 2017 की तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए, किसान जो है लगातार ये कह रहे हैं कि 2017 में आलू महंगा होगा नहीं 2020 में महंगा होगा या ऐसे होगा, कुछ लग रहा है ये पैदावार जैसे अब क्षेत्र में देख के? ये पैदावार को देखते हुए तो क्षेत्र में अब इसके बारे में तो कह नहीं सकते, भाव तो खैर परमात्मा के हाथ में है, परंतु इतना जरूर है कि पैदावार अच्छी है। पैदावार अच्छी है हाँ। तो किसान साथियों यही था मेरे साथ में आप लोगों के लिए रायल किसान साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप ये चाहते हैं कि ये कुफरी मोहन बीज भी आपको मिल जाए तो ये किसान है इनके माध्यम से आपको बीज मिल जाएगा, इनसे आप संपर्क कर लीजिएगा। धन्यवाद किसान साथियों।